यदा मृगे कौरवशञ्जयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्धगदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। ये उस समय की बात है जब महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ। पूरा कुरुक्षेत्र की भूमि लाशों से शवों से भरी पड़ी थी। एक तृण मात्र जगह नहीं थी। इतना भयंकर युद्ध, ऐसा वर्णन किया है महाभारत पर तो कितनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, क्योंकि वो इतिहास ही इतना अद्भुत है। जब युद्ध विश्राम हो गया तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहा कि मैं एक बार युद्ध भूमि जाना चाहता हूं। और श्री कृष्ण गए, और जब गए तो अपने आंख से अश्रु नहीं रोक पाए। युद्ध तो हो गया पर ये क्या मंजर है आज का, एक के ऊपर एक शव पड़े हैं। कितने शवों को तो जलाने का ही अवसर नहीं मिला। ऐसा महाभारत का संग्राम युद्ध हुआ। पांच पांडव अकेले लड़ते रहे। किसके बल पर? कृष्ण के बल पर। कुछ नहीं था उनके पास। कृष्ण की अक्षौणी सेना थी दुर्योधन के पास। अक्षौणी सेना जिसके पास आ जाए समझो उसकी विजय तो हर हाल में निश्चित है। दुर्योधन तो ठाने बैठा था कि जीतूंगा तो मैं, पर उसे क्या पता था कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको भगवान पर भरोसा हो भगवान किसी कीमत पर उसे गिरने नहीं देंगे। उसके भरोसे को कभी श्री हरि टूटने नहीं देंगे। कुछ भी करेंगे। भगवान ने सब तो किया महाभारत में, शाम दाम दंड भी, झूठ भी बोला। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, हल्ला मच गया चारों तरफ, पर भगवान ने हारने नहीं दिया। ये भगवान की शरणागति का लाभ है। जो समर्पित हो जाता है ना भगवान को, जीवन में कुछ हो ना हो समर्पण होना चाहिए। समर्पण, उनको छोड़ दो, उनके चरणों में उनको मालिक बना दो। एक बड़ी प्यारा सा दृष्टांत है। कोई गाय के पीछे एक बाघ भाग रहा था उसे मारने के लिए। गाय भागती जा रही, जान बचाने को जैसे तैसे कहीं बच जाऊं भागती जा रही, पीछे पीछे बाघ भी तेजी से भाग रहा है। भागते 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 सामने एक सरोवर था जिसमें पानी नहीं था, कीचड़ी कीचड़ थी, तो गाय उसमें घुस गई। बाघ भी पीछे पीछे घुस गया। गाय भीतर चलती चली गई, अंदर घुसती चली गई, बाघ भी घुसता चला गया, और ऐसे दलदल में जाके दोनों फंस गए, गाय भी और बाघ भी। घंटा भर हो गया फंसे फंसे, ना बाघ निकल पा रहा ना गाय। पर बाघ चिंता में है कि अब तू फंस गया यहाँ पे, अब तू यहीं पड़ा पड़ा मरेगा, तुझे खाने को कोई मिलेगा नहीं, अब तू मरेगा परेशान। गाय मुस्कुरा रही है, वो बिल्कुल भी चिंता में नहीं है। तो बाघ ने उस गाय से पूछा, खेरी बहन तू ये बता, तुझे किसी बात की चिंता नहीं है, तू मुस्कुरा रही है, जबकि मैं बाघ हूं, मुझ में ज्यादा शक्ति है, पर मुझे डर लग रहा है और तुझे नहीं लग रहा, ऐसा क्यों? तो गाय ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। गाय कहती है, तेरा कोई मालिक नहीं है, तू लावारिस है, मेरा मालिक है, मैं किसी के घर की गाय हूं। और जब वो देखेगा ना कि गाय शाम को घर नहीं आई तो ढूंढेगा, और ढूंढता ढूंढता यहां आएगा और मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालेगा। इसलिए जीवन में एक मालिक का होना आवश्यक है। एक मालिक हो, जो आप खो भी जाओ तो वो आपको ढूंढे कि तू है कहां, कितने दिन हो गए तू दिख नहीं रहा। मालिक हो, लावारिस रहोगे तो बाघ जैसे कहीं ना कहीं कीचड़ में फंस जाएंगे। मालिक कौन हो? बोले सबसे बड़ा मालिक तो इस विश्व में एक ही हो सकता है, सबकी डोरी को चलाने वाले, उनको मालिक बना दो, बस सब छोड़ दो उन पे, उनके चरणों में विश्वास करके एक बार छोड़ के देखो तो सही, करके एक बार कोशिश तो करके देखो।
दुनिया में हम सब काम करते हैं, एक बार ये भी कर लेते हैं, एक बार ये भी एडवेंचर है ये भी कर ले, तो ये भी एक बार करके तो देखो बदलाव ना आए जीवन में तो फिर कहना। अभी तो हम खुद ही मालिक बने बैठे हैं अपने जीवन के, हम चलाएंगे, हम बड़ा काम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, इसलिए कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ही मैं है जो कुछ है, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर। जिस दिन उस पर छोड़ दिया, मैं मेरा नहीं तू तेरा, ये विश्वास प्रबल बन जाए, बस भागवत जी से कुछ मत मांगिए, बस यही मांगिए ये विश्वास पक्का हो जाए, हिलाई से भी हिले ना, हिलाएंगे भगवान, भगवान ठोक ठोक के देखेंगे, जैसे कुमार देखता ना घड़ा कच्चा है कि पक्का है, ठोक ठोक के घड़े को देखता है, तो देखेंगे भगवान कदम कदम पर, आपको इतने परीक्षाएं लेंगे कि बस हट जाए, उठा के मेरी मूर्ति को फेंक आए यमुना जी में, बोले ये भगवान सुनने वाला नहीं, पर आप भूलना मत, डगमगाना, समझ लेना कि अब ये परीक्षा ले रहा है, अब ये मुझे जांच रहा है कि कितना पानी है। युद्ध हुआ, भीम ने दुर्योधन की जांघ को अपनी गदा से तोड़ दिया, अब दुर्योधन का कोई सहारा नहीं रहा, जिनको वो सहारा समझता था वो सब मारे जा चुके थे, एकाध जो बचे थे वो भाग चुके थे, अकेला युद्ध भूमि में पड़ा है अकेला, जांघ से खून बह रहा है, कोई पास में नहीं, पानी देने वाला नहीं है कौरवों को, कोई इतना बड़ा वंश, 100 पुत्र 100 कौरव सब सब नष्ट हो गए। तब वहां आया अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने दुर्योधन को थोड़ी सी तसल्ली दी, अश्वत्थामा को दुर्योधन अपना परम मित्र समझता था, हितेशी, अश्वत्थामा ने कहा देखो क्या दशा है तुम्हारी, आज कोई नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे पास पड़े हो युद्ध भूमि में, पता है इसका कारण क्या है, बोले क्या कारण है, बोले कारण यह है कि तुमने मुझे मौका नहीं दिया अपनी सेना की अगुवाई करने का, मुझे तुमने सेनापति नहीं बनाया, अभी भी मौका है, 18 दिन के युद्ध में अभी भी बाकी है समय, आज रात तो बाकी है, आज भी कुछ हो सकता। दुर्योधन ने कहा ठीक है तुम मेरे सेनापति जाओ, जो कर सकते हो करो, चला गया, पहुंचा पांडव शिविर में, पांडव पांचों पांडवों को लेकर के श्री कृष्ण गए हैं गंगा स्नान के लिए, और पीछे से अश्वत्थामा आया, पांचों बालक जो पांडवों के बालक थे जो शिविर में सो रहे थे उन सब के सर को धड़ से अलग करके काट करके दुर्योधन के पास ले आया, दुर्योधन के सामने उपस्थित हो गया, जय हो जय हो जय हो महाराज, जो कोई नहीं कर सका मैंने कर दिखाया, दुर्योधन भी खुश हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पता लगा कि ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडव के पुत्र हैं, तो ऐसा लिखते कि दुर्योधन भी उस समय दुखी हुआ कि ये तूने क्या कर दिया, निहत्ते बालकों को मार दिया, बाल हत्या। उधर जब श्री कृष्ण गंगा स्नान से वापस लौटे, पता लगा कि ये सब किया धराया अश्वत्थामा का है, तो प्रभु रथ पर विराजमान होके युद्ध करने गए, अश्वत्थामा को बांध करके ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके बांध के उसको रस्सी से घसीट करके ले आए सभा में द्रौपदी के सामने, ये ले द्रौपदी तेरे असली दंड देने की अधिकारी तू है, क्योंकि इसने तेरे पुत्रों को मारा, बोल क्या करे, जो तू दंड देगी हम इसको तेरे सामने दंडित करेंगे, इसका सर धड़ से अलग कर दे, उसको फांसी पर चढ़ा दे, क्या कर। तब द्रौपदी कहती है अगर आप मुझसे पूछते हो और चाहते हो कि जो मैं चाहूं वही हो तो एक काम करो, इसे छोड़ो और घर भेज दो। अरे द्रौपदी तू क्या बोल रही है, इस बाल हत्यारे को घर भेज दे, इसने 5 बच्चों को मारा है, इस पापी को तो एक क्षण भी जीने का अधिकार नहीं, इसे तुरंत मार देना चाहिए,
भी मैं एकदम रोष में आके क्या कह रही हो द्रौपदी, तुमको अपने बालकों के मरने का जरा भी दुख नहीं? द्रौपदी कहती है हाँ मुझे दुख तो है, और दुख इस बात का भी नहीं कि बच्चे गए, दुख इस बात का है कि मेरे बालक तब गए जब वो कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकते थे सोते हुए, मुझे इस बात का दुख है। देखे पर मैं ये भी जानती हूँ कि अगर ये मरेगा तो हमारी जो गुरु माता है यानी इसकी जो माँ है उसको भी तो दुख होगा, इसके मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आने वाले, और मैं नहीं चाहती कि जो दुख मुझे मिला है वो गुरु माता को मिले, इसलिए छोड़ जाने। इतनी दया, कृष्ण ऐसे ही द्रौपदी को अपनी बहन थोड़ी कहते हैं, इतने गुण किसमें होंगे कि बच्चों को मारा रो कह रही छोड़ दो। द्रौपदी भी परम भक्त है भगवान की, परम प्रेमी सखी है कृष्ण, कृष्ण को अपना सखा मानती है, भगवान उसको अपनी बहन, अपना नाम तक दे दिया कृष्ण। ऐसा कौन सा स्थान था महाभारत का जहां कृष्ण ना आए? कोई काम हो उससे पहले तैयार करो। दुर्वासा ऋषि आ गए, भोजन नहीं है, कुछ नहीं है, आके खड़े हो गए। लो द्रौपदी अपना पात्र खोल के तो देखे एक बार, कुछ तो बचा होगा उसमें। लाक्षाग्रह में पांडवों को बचा लिया, हर कदम पर ठाकुर जी ने रक्षा। अरे और तो और, इससे बड़ी परीक्षा क्या होगी, एक स्त्री को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। और बड़ी बात ये नहीं थी कि चीर खींची जा रही, बड़ी बात ये थी कि चारों तरफ जो बैठे थे सब धर्म के ठेकेदार बैठे थे, धुरंधर, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सब चुप बैठे मौन, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। तब उस समय असली परीक्षा जब हुई, जब दुख आता है ना तब समझ में आता है कि आपको प्रिय कौन है, आपको संसार वाले याद आते कि आपको अपने ठाकुर याद आते, तब पता लगा। द्रौपदी ने भी खूब समय बर्बाद किया संसार के लोगों के पास जा जा, पति के पास, पिता को पुकारा, भाई को पुकारा, ससुर को पुकारा, पर कोई नहीं आया, सब नजर झुका के आज सब नीचे बैठे। तब अंत में द्रौपदी को समझ में आया कि कहां भाग रही है, तो किनके पास भाग रही है, ये तेरी रक्षा करेंगे जिनका सर शर्म से नीचे झुका हुआ है। अरे उसको बुला ना जो हर समय तेरे साथ रहता है। फिर द्वारिका तक आवाज पहुंची, गोविंद द्वारिका वास, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवई परिभूता नाम, किम न जाना शकेश। और फिर जो अद्भुत चमत्कार हुआ वो बताने की क्या आवश्यकता है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, चीर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो द्रौपदी कह रही छोड़ दो, जाने दो इसको। कुछ लोग इस बात से सहमत हैं छोड़ दो, कुछ नहीं है, दो पार्टियां हो गई, एक समर्थन में एक विरोध। अर्जुन ने सोचा क्या करूं, किसका साथ दूं, संशय मन में उत्पन्न हुआ तो कृष्ण की ओर देखा, हे माधव अब आप ही बताओ मैं क्या क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तब भगवान ने समझाया अर्जुन कि अर्जुन किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी उसके लिए मृत्यु के ही समान होता है, जिस व्यक्ति की समाज में बहुत इज्जत हो, सम्मान हो, उसका जरा अपमान भी उसे मौत जैसा लगता है।
इसलिए मारो भी मत और मार भी मत, ऐसा रास्ता निकाल। क्या करूं? तो अश्वत्थामा के जो अश्वत्थामा ब्राह्मण है और ब्राह्मण का सम्मान होता है उसकी चोटी शिखा जनेऊ, इस ब्राह्मण का सम्मान पहचान है उसकी, उसी को काट दिया, शिखा काट दी। मस्तक में जो मणि उसको जन्मजात मिली थी उसको निकाल दिया और उसको भगा दिया। लेकिन मत्सरता छोड़ती थोड़ी है, मत्सरता मतलब वही मुझे अपमानित किया, अब देखो इनके कुल का कैसे नाश करता। तुरंत ब्रह्मास्त्र लिया और इस पांडव वंश का एक ही वंशज था अभिमन्यु का पुत्र, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा सीधा उत्तरा के गर्भ में। अब उत्तरा घबराई, ब्रह्मास्त्र गर्भ में शरीर जलने लगा, घबराती घबराती दौड़ी दौड़ी। अब इस वंश की एक स्त्री द्रौपदी पहले ठोकर खा चुकी है, जन जन के पास भीख मांगती कोई मेरी रक्षा कर दो, कोई मेरी लाज बचा दो। उत्तरा ने सोचा वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगा, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी, मैं सीधा द्वारिकाधीश के चरणों में निवेदन करूंगी। और आ गई उत्तरा श्री कृष्ण के पास, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, और मुझे नहीं मेरी कोई चिंता नहीं है, मेरे गर्भ में जो बालक है ना इसको बचा लीजिए, और ये बालक भी मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, इस वंश इस कुल में कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने वाला बस अभी एक ही बचा, ये भी नहीं रहेगा तो इस कृष्ण भक्ति का यही नाश हो जाएगा, इसलिए इसको बचाना है, पर मुझे अपने स्वार्थ के लिए इसको नहीं बचवाना, ये आपका है आपके लिए। तो आज तक भगवान की भक्त वत्सलता देखिए, आज तक जो भगवान कभी गर्व में प्रवेश नहीं करते हैं वो भगवान आज अपने भक्त के लिए गर्व में भी प्रवेश करेंगे। अंगुष्ठ मात्रम ममलम स्फरत पुरट मोलिनम, एक अंगूठे के बराबर आकार धारण करके श्री ठाकुर जी उत्तरा के गर्व में प्रवेश करते, और जैसे गर्भ में प्रवेश किया छोटा सा एक शिशु आंखें बंद करे हुए बैठा था, जैसे गर्भ में प्रकाश हुआ तुरंत आंखें खुली और देखा तो सामने साक्षात भगवान थे। परीक्षित बड़े भाग्यशाली है क्योंकि दुनिया जन्म लेने के बाद दर्शन करती है, परीक्षित ने जन्म लेने से पहले भगवान का दर्शन किया, गर्भ दर्शन किया परीक्षित ने, और वो छवि बस गई परीक्षित के हृदय में। आगे भी जब राजा बने उसके बाद श्राप जो लगा, आगे जो कथा है उसमें भी उसी छवि को ढूंढते रहे कि वो जो गर्भ में मैंने आदमी देखा था वो कहाँ है, वो कहीं दिख नहीं रहा। तो भगवान ने जाकर के परीक्षित को पुनः जीवित कर दिया और उत्तरा के गर्भ की श्री ठाकुर जी ने रक्षा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।